अब आपको जरा झारखंड की खबर देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में हैं, बोकारो की रैली में उन्होंने एक बार फिर से वही बात की है कि आप लोगों को बंटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कांग्रेस अलायंस के लोग बांटने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं आपको बयान सुनवा ही रहा हूँ। गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के नेता, इन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो अब जितने भी दिन और बचे हैं, दूसरी अब आज 14 तारीख हो गई है, 20 तारीख को अगले फेज का इलेक्शन, ये 5 दिन ये बयान घूमेगा मोबाइल, हर रैली में बीजेपी का और एनडीए का हर नेता ये बयान बजाएगा। गुलाम अहमद मीर बोली ऐसी बात कहे। बीजेपी का कैंपेन क्या है कि झारखंड में घुसपैठिए घुस आए हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए, ये वहां की ट्राइबल महिलाओं से शादी कर ले रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प ले रहे हैं, जनसंख्या घट गई है आदिवासियों की, झारखंड उनका जो अपना राज्य है उसके अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और ये क्या बोल गया गुलाम अहमद मीर, बात कर रहे थे सिलेंडर की कि 450 रुपये में सिलेंडर सबको देंगे, और बोलते बोलते बोल गए हम देंगे सबको सिलेंडर, कोई फर्क नहीं किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं किया जाएगा, झारखंडी बांग्लादेशी का फर्क नहीं किया जाएगा, घुसपैठिए का फर्क नहीं किया जाएगा, सबको 450 रुपये में सिलेंडर बटेगा। इतने उदार हो गए वो। तो योगी जी की बात सुन लीजिए, फिर आपको ये लगा उन्हीं के पीछे ये बयान आपको सुनाते हैं, फिर गुलाम अहमद मीर का। ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहाँ पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके बटना नहीं है, बटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, और इसके लिए भाजपा को लेके आना है कमल चुनाव चिन्ह पर। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये हमारा आप घुसपैठी को भी 450 में सिलेंडर दोगे जो झारखंड में आ गया, सबको 450। सबसे पहली बात तो है, इस बयान में उन्होंने स्वीकार कर लिया घुसपैठी है, वही तो सर, मतलब स्वीकार कर लिया ना। तो एक तरह से पहले तो उन्होंने कि ये गुलाम अहमद मीर साहब जो है कश्मीरी है, और ये कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत भरोसेमंद, बहुत विश्वास पात्र हैं कांग्रेस के प्रथम परिवार के। गुलाम नबी आजाद से इनका बड़ा झगड़ा रहा है, दोनों गुलाम, एक गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर के बीच में बड़ा तनातनी रही। जब तक गुलाम नबी आजाद प्रभावित रहे, प्रभावशाली रहे कांग्रेस में, इनको उन्होंने बड़ा किनारे लगाए रखा था। गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद मीर साहब अब मीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि सिलेंडर बांट रहे हैं, और इतने करीबी बन गए सर कि अभी विधायक दल का नेता बना दिया इनको, विधायक दल के नेता बन गए जम्मू कश्मीर। छह आए, छह में एक नेता तो बना ही दिया, छह आए सर। मोना तिवारी उत्तर प्रदेश से विधायक दल के नेता है, दो ही तो जीते हैं वहाँ, क्या करें, मेरी है, बोल तो हिंदी रहे ना, उनको घुसपैठिए का मतलब तो पता है ना सर, घुसपैठिए जम्मू पता है, जम्मू कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर में इनका एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था, जब इनसे कहा गया था कि पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं, आतंकवादी घुस जाते हैं, तो कहते इतना तुल कर देते, कोई वहां से परेशान हो गया अपने देश में आ गया, तो उसमें परेशान होने की क्या दिक्कत है, आने दो उसमें। अच्छा, ये गुलाम मोहम्मद मीर इस तरह के बयान पहले दे चुके हैं, और अब उन्हें झारखंड का प्रभारी बना दिया है, तो अब वो तो सबका साथ सबका विकास, जो कांग्रेस की भाषा है कि भाई घुसपैठी भी उन्हें अपने लोग लग रहे हैं, बांग्लादेशी भी उन्हें अपने लग रहे हैं। 37 सीट बची हैं, तो बढ़िया से इन्होंने जो है बिल्कुल व्यवस्था कर दी अगले राउंड में, उस पर आगे बात करते हैं सर, एक ब्रेक का समय हो गया है, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। आतंकवादियों को भी देंगे, अलगाववादियों को भी देंगे, ये भी बोल सकते थे, हो सकता है किसी ने माइक जल्दी ले लिया हो, आगे बोल सकते हैं।